सर परेशानी का मत बताओ, एक परेशानी हो तो बताएं, यहाँ तो लाखों परेशानियाँ। जब गर्मियों का टाइम आता है, बारिश होती है, तो बारिश में यहाँ बच्चे बीवियाँ सामान उतार के गाड़ी को निकालते हैं, और ये छोटी सी पुली लगा रखी है, इसका भी कोई पता नहीं होता है कि सड़ी हुई है कब गिर जाए। तो पुल बनाया था सरकार ने, 6 महीने या साल ज़्यादा ज़्यादा रहा, ऊपर से लैंड स्लाइड आया तो गिर गया। तो उसके बाद दिक्कतें तो बहुत हैं सर, फरियादें तो बहुत होती हैं मगर सुनता कोई नहीं है। बैक टू विलेज तो सर अभी 2-3 बार आ गया, उन्होंने आना है, हाँ जी आपकी परेशानियाँ सुनेंगे, परेशानियाँ सुन के चले जाते हैं मगर पीछे मुड़ के कोई नहीं पूछता। बैक टू विलेज तो छोड़ो, यहाँ से डीसी साहब के पास कितनी बार यहाँ से लोग गए हुए हैं, यहाँ शराज एरिया से देसा से बहुत मुश्किलें आती सर। सर क्या परेशानी रहती इस पुल से? इस पुल की परेशानी से हम जी डोडा से कट जाते हैं, ये यहाँ गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये एक साल ये पुल बनाया उन्होंने, एक साल चला कि 6 ही महीने चला, बस जब लैंडस्लाइड आई तो ये गिर गया। तो जब बरसात आता है, बारिशें होती है, या अब आया मौसम ये बर्फ़ पिघलने का, तो यहाँ बिल्कुल हम कट जाते हैं देसा और डोडा से, और एडमिशन इसको कोई देखती नहीं है। हमने बार बार फरियाद की और जाते आते रहते हैं, बस सिर्फ इकान ध्यान दिलाते हैं, बाकी कोई काम नहीं होता है। हम बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे डंगर जंगल में छोड़े हैं, कोई पूछताछ नहीं है, घास खाओ, भूखे रहो, कुछ करो, वो कोई मतलब नहीं है बोझ कोई।